एक प्रकार से देखें तो अब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर या सरकारी वर्चस्व वाले एक्सट्रीम मॉडल्स की बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब समय है कि सरकार की प्राइवेट सेक्टर को पार्टनर इन प्रोग्रेस मानकर उन्हें प्रोत्साहित करें और हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, सबको साथ लेकर चलने, देश के पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स पर भरोसा करने की यही स्पिरिट है जिसके कारण आज भारत में ग्रोथ के लिए अद्भुत उत्साह दिख रहा है। आज हमारा एक्सपोर्ट नए रिकॉर्ड बना रहा है, सर्विस सेक्टर भी तेजी से ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम का असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दिखने लगा है। मोबाइल फोन सहित पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई गुना वृद्धि हुई है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब मैं इस कोरोना कालखंड में टॉय को लेकर के मैंने समिट की खिलौने, तो कई लोगों को लगा हो गया ये पीएम को कभी जादू की बात करता है, स्वच्छता की बात करता है, टॉयलेट की बात करता है, टॉय की बात कर रहा है। कईयों को, क्योंकि अब तक हम उन बड़ी बड़ी बातों में फंसे रहे हैं कि मेरी बातें उनके गले बैठती नहीं। सिर्फ खिलौनों के ऊपर मैंने ध्यान दिया, खिलौने बनाने वालों पर ध्यान केंद्रित किया, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, इनोवेशन पर ध्यान दिया, फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ ध्यान दिया। अभी तो 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, मेरे देशवासी गर्व करेंगे कि टॉयज का इंपोर्ट इतने कम समय में इतना घट गया, वरना हमारे यहाँ हर घर में खिलौना विदेशी हुआ करता था, वो इतना इंपोर्ट कम हुआ है। इतना ही नहीं, भारत के खिलौने, भारत के टॉय पहले जितना इंपोर्ट होता था उससे ज्यादा आज एक्सपोर्ट होने लगे हैं।